हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। तो भाई आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ और वेलकम बैक है आप लोगों का। और भाई आज की जो वीडियो वाली होने वाली भाई अपनी एन एस के ऊपर होने वाली है और ये खरीदा अपनी रॉकेट। और चलो चलती है अभी, इसको कभी कभी चला रहा हूँ, मैं इतना नहीं चला रहा। सो बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फिर ये ऑटोमेटिक सही हो गई थी और अभी मतलब ये सही है भाई, चल रही है। इसको चलाता हूँ मैं एक दो दिन में और भाई खड़ी नहीं रखता हूँ उसमें बिल्कुल भी, मतलब खड़ी मतलब ऐसे चलाता हूँ मतलब नॉर्मल पहले जैसे, ऐसे नहीं कि भाई दूसरी बाइक आ गई तो उसकी कदर नहीं करना, भाई बाइक की कदर करनी चाहिए। और इधर खड़ी अपनी कार और इसका इस विंडो में प्रॉब्लम आ रही, पता नहीं मुझे पता नहीं कल ऐसी कल ऐसे भाई जीवन में। और आज की वीडियो अपनी एन एस के ऊपर, भाई जो अपनी एन एस है इसको लिए मुझे एक महीना और पाँच या सात दिन हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो इसकी मैं आज करने जा रहा हूँ इसका ऑयल चेंज। वैसे वो प्रीवियस ओनर था, उसने सर्विस करा के दी थी उनने सर्विस वगैरह सब, बट फिर भी मैं एक बार ऑयल चेंज करा लूँ क्योंकि मैंने इसको चला भी दी ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स चला दी और प्लस फिर मेरे को इसमें इंजन ऑयल का लेवल भी कम लग रहा था थोड़ा, तो इस वजह से आज मैं इसका इंजन ऑयल चेंज कराने वाला हूँ और इसमें डलवाएंगे मोटर का 7। तो चलो पहले शॉप पे चलेंगे, पहले इंजन ऑयल लेंगे और फिर जाएंगे एक बार फिर डलाएंगे। तो चलो सीधा शॉप पे मिलूंगा आपको मैं। और चैनल पर नहीं तो भाई चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट छोड़ देना। और मोटर ब्लॉगिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आते हुए ही करूँगा। तो चलो पहले चलते सीधा शॉप पर और मिलता हूँ शॉप पर। भाई अभी अपनी बाइक हो रही कोल्ड स्टार्ट और मैं कल वो वीडियो मैंने कल मतलब कंटिन्यू मतलब कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था, मैं ऑयल लेने गया था बट फिर क्या मैं थोड़ा लेट हो गया था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया था मैंने। और मैं ये लाया था मोटर के 7120W50 और इसकी कॉस्टिंग पड़ी मुझे 1100। अभी बाइक अपनी कॉल स्टार्ट हो रही है तो अब चलेंगे अपन मैकेनिक भैया के पास। और भाई मैंने मोटर क्यों चूज़ करा इसके बारे में मैं आपको भी रीजंस बताऊंगा, इसके सब चीज़ बताऊंगा भाई इससे कितना फ़ायदा होता है अपने इंजन को और एक कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट भी आता है भाई इसी फील्ड में इसके कंपटीशन में, तो मैं दोनों में से बताऊंगा कौन सा बेटर है। तो चलो चलते भैया के पास। और मैंने फ़िल्टर भी लिया है जो दिखाता हूँ आपको, ये मैंने जो अपना ऑयल फिल्टर भी लिया है क्योंकि भाई ऑयल फिल्टर हमेशा चेंज कराओ, जब भी तुम ऑयल करवाओ ना तो ऑयल फिल्टर चेंज करो क्योंकि कई बार ऑयल फिल्टर गंदा होगा तो आप साफ़ ऑयल डालोगे तो वो साफ़ ऑयल भी गंदा ही हो जाएगा क्योंकि ऑयल फिल्टर से होके गुजरता है ऑयल। तो चलो चलते हैं शॉप पर। ये रहा अपना हेलमेट, मैं मोटर व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, तो चलो शॉप पर मिलेंगे। और ये रहा भाई अपना मोटर शानदार। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर शॉप पर और सामने खड़े हुए भैया और मतलब करवाते हैं बस अब ऑयल चेंज कराना है, फिल्टर चेंज कराना है। तो भाई ये रहा भाई अपना ऑयल और ये भाई 1500 ml का बॉक्स है, चलो करवाते हैं। तो भाई अब बार ये ऑयल फिल्टर खोलने की, तो यहाँ पर अपना ऑयल फिल्टर खुल रहा है, फिर ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद डलेगा ऑयल, तो खुलवाते चलो। तो भाई देखो ये है भाई पुराना ऑयल फिल्टर, भाई इसकी कंडीशन देखो एकदम ही भाई खत्म हो चुकी है, एकदम चौक हो चुका है। और भाई इसको देखोगे ना तो मतलब ऑयल जम चुका है इसमें और इसमें ना गंदा ऑयल निकला बहुत ज़्यादा, इसमें से ज़्यादा गंदा ऑयल निकला। तो भाई इसलिए हमें ना अपना ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना चाहिए हमेशा ऑयल के साथ ताकि ऑयल हमेशा सही फिल्टर हो जाए। तो चलो लगवाते हैं अब दूसरा ऑयल फिल्टर। तो भाई यहाँ पर अपना ऑयल फिल्टर डल चुका है और भाई अब बारी है ऑयल की, और ऑयल को डलवाने से पहले जो पुराना ऑयल है उसे अच्छे से ड्रेन करवा लेना। तो चलो डलवाते ऑयल। चुका है यहाँ पर अपना ऑयल एकदम सही तरीके से और भाई इन्होंने डाला है, देखो इन्होंने डाला है 1200 ml ऑयल डाल दिया इसमें, बाकी 300 बच गया जो कि अपने अगली बार काम आ जाएगा। तो हल्की सी वॉश करा लेता हूँ नीचे, इसको गंदी हो चुके हैं और फिर चलते हैं। तो भाई ऑयल डालने के बाद है ना बाइक को थोड़ी देर स्टार्ट रखना है क्योंकि जो भाई ऑयल डला है नया इंजन में उसको अच्छे से इंजन के सारे पार्ट्स तक पहुँचने देना है और उसके बाद ही राइड करना है। और भाई जो अपना ये इंजन ऑयल अपन ने डाला है मोटिल 7100 इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही होने वाली है कि भाई ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए ये ऑयल। तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफ़।